मैं कहा पहले मेहनत करो, प्यो तुहाडे जड़ा ना उसने मेहनत की, अपना मेहनत करो। तो वैसे ही मैं इन्हों ताने देता रहा अपने पुत्रन, ये मेरे नाल बहिंदे ही नहीं रोटी खाण, जे बह जाण तो मैं इन्हां नूं पता की कहिंदा, मैं कहिंदा चलिया जिन्हां दे प्यो माजूर होवन ना उन्हां दे पुत्तर चावल वाली दुकान ते चावल ढोंदे या डेंटिंग पेंटिंग ते काम करदे। तुसीं जिहड़ी इज्जत नाल रोटी खा रहे हो मुहम्मद अरबी की गुलामी की बरकत ने। हाँ जी, मैं इन्हां नूं ये कहना, मैं इन्हां नूं ये दसदा, इन्हां नूं मैं औकात च रखदा, और गल है भी इंजे। हाँ जी, फतेह बैतुल मुकद्दस के मौके पर ना चले गल के बंदा की, फतेह बैतुल मुकद्दस के मौके पर ना हजरत उमर मौजे ला के इत्थे रख दते। फकाल अबू उबैदा इब्न अल जर्राह, अबू उबैदा कहने लगे या अमीर अल मोमिनीन तफलो हाजा, तुसी ये काम कीता है, मा यसुरनी अन अहल शाम इस्तशरफू का। उन्हें कहा जनाब ए सारे यहूदी उन्होंने बड़े बड़े मौलवी उन्होंने बड़े बड़े उमरा खड़े ते तुसी यह काम कीता है, वो सारे वेख रहे हैं, वो की कहणगे इन्हां दे अमीर उल मोमिनीन नूं, ये भी नहीं पता जुराबां कित्थे रखियां जांदियां, तुसी मोढ़े ते रख दियां। फकाला वाह, हजरत उमर लंबी जी आ कढ़ी और गल के कीती, फरमाया तकूलु हाजा गैरोका या अबा उबैदा, फरमाया अबू उबैदा जी गल कोई होर करदा ना ये ते जाल तू नकालन लिल उम्मते, फरमाया मैं हुजूर दी उम्मत वास्ते उन्हूं कुट कुट के जी सजा देंदा, इबरत बन जांदा। अगली गल बड़ी डाडी, अगली गल बड़ी डाडी, फरमाया इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन अज़नल्लाहु बिल इस्लाम, फरमाया सानू कौन जानदा सी, असी ते दुनिया की जलील तरीन कौम सी, मुहम्मद अरबी के दामन नाल लग्या ते अज उमर उमर होण लग पई जनाब, क्यों जी? बस इतनी बात है, हजरत उमर उत्थे भी जाके अपनी वही पुरानी गल की। अज हर बंदा अपनी औकात भुल जाता, मौली खादिम दे आण ते दो नारे लगन ते मौली खादिम नखरे शुरू कर दे, क्यों जी? गल तो विच होर है, ये तो उहदा करम है कि मैनू वेख के लोग लब्बैक दे नारे लाने। जदों असी पढ़िया फैना अभी व वालिदती व इरदी लिरदे मुहम्मद मिलकुम विकाउ, मेरा प्यो भी मेरी माँ भी मेरिया सारिया इज्जत हजूर की इज्जत उत्ते कुरबान है। खूने न करदा एम व कसेरा न कुश्ता एम, मेरा जुर्म कुछ भी नहीं, खूने न करदा एम व कसेरा न कुश्ता एम, जुर्मम हमी की आशिक रूहे तू गश्ता एम, ना मैं किसी का खून पाया ना मैं किसी नु कतल कीता, जुर्म मेरा सिर्फ है कि मैं मुहम्मद अरबी देश की गल्लां क्यों करना, ये जुर्म ते असी सरे बाजार भी करना है, और कल क्यामत वाले दिन जदों सरकार बुलाणगे ते फरमाओ किधर गए मेरी खातिर मार खाण वाले, सर और बुलाओ उन्हां नू मेरी खातिर व्हील चेयर उत्ते बह के जेल आबाद करने वाले किधर गए। हाँ जी, वह व्हील चेयर उत्ते बह के दोवें हाथों जिथे हथकड़ियां लवाण वाला किधर गया, इत्थे मैंने हथकड़ी उन्हें लाई, मैं आख मज़ा आया, मैं अपने नाल हसा, मैं आख मज़ा आया, फिर मैं उन्होंने कहा तकलीफ होंगी इत्थे बनो, वह इत्थे बनया तो मैं अपने हथा नूं खोल के पुछया, मैं आख सारी जिंदगी हजूर के नाँ के पैसे खाधे ने हलवे बांडे खाधे ने, अज मज़ा आया कि ना आया, हथ बोले तो कोई नहीं, बोलना तो इन्हें क्यामत नूं है, लेकिन जबाने हाल नाल कह रहा सन अज ही तो मजा आया, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। बस हाँ जी, सारे तैयार हो, लबैक का नारा इंज लाने चलो क्या कश्मीर के पहाड़ पहुड़ सारे श्रीनगर तक आवाज जाए की होया, उन्हें कहा साइंस मुहम्मद अरबी के गुलाम नारा लाया और की होया, लबैक हुण नारा लाया तुसीं, ए तुहाड़ी लबैक दी गूंज जिहड़ी सारे नूं परेशान कर, कहिंदे की होण लगा, कुछ भी नहीं होण लगा, हुण बस अजे तो बादशाह होया ही कुछ नहीं, तुसीं जरा मैदान च आओ कुछ भी नहीं होना, हजूर तां ना पता है नारे ते तुसीं जिहड़ा नारा लांदे हो ना इधरों उधरों आवाज आंदी, इहदा मतलब यह नहीं कि बंदे इतना नारा लांदे ने, मेरे आका ने फरमाया मा बैन समाए वल्लर दिल्ला यालम अन्नी रसूलुल्लाह, फरमाया जमीन आसमान ने शह ही ऐसी कोई नहीं जिहड़ी यह ना जानदी होवे कि मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, जो लबैक का नारा लगता ना तो लोह भी है दरख्त भी है पत्थर भी कहते हैं यार जो तुम नारा लाया अभी भी जानना लबैक वो भी नाल शुरू हो जाने, हाँ इस बरकत ना लबैक के नारे बरकत है, तुम यह ना समझो कि थोड़े नारा नार हर शह मिल जाती, जो हर शह मिल जानी ना नाल तो जनाब वो कहें हमने सड़क बनानी है, कहते हमने मोटरवे बनाया, मैं आख नाल भी दसो थी कारकर्दगी के वे मुमताज कादरी भी फटे तुम लाया, इन्हें वास्ते क्यामत तक ये कारकर्दगी थोड़ी है, गुनाहगार के लिए माफी है, ये मैं तुहाडे नाल दस देवां, गुनाहगार क्यामत वाले दिन हजूर जब बाजुए शफात खोलेंगे ना तो हम सूए अशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ।
साडे मसले नूं कोई समझो, मैं किसे दे खिलाफ भी कोई नहीं, हाँ मैं मेरे बारे में भी मशहूर है फलाने दे खिलाफ, मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता, दसो ए मुमताज कादरी नूं फटे तुसी लाया, इल्मुन दीन नूं अंग्रेजा लाया, फर्क की रहा? अंग्रेजों का कानून उन्हें हाथ च लिया, उन्हें मार दिता, तुहाड़ा कानून मुमताज हाथ च लिया, तुसी फटे चाड़ दिता, फिर पाकिस्तान दे मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा की माना? नाबीना साहबी राती मार के आए औरत, सवेरे हजूर के पिछे आके नमाज पढ़ी, कलमा तुसी हजूर का पढ़िया, केड़ी गल तुसा की? हजूर के पिछे नमाज पढ़ी, हजूर ने सलाम फेरिया तो वेख्या नाबीना साहबी कितने बैठे, जब नजर आए तो फरमाया कतलता बिनता मरवान, फरमाया मां वराए अदालत गुस्ताख औरत मार आयो? काला नाम भी अभी अंत या रसूल अल्लाह, हाँ हजूर मार आया। मस्जिद नबी शरीफ इच खामोशी तारी हो गई, फौरन सवाल कीता, हल अलैया फी ज़ालिक शैउ या रसूल अल्लाह, हुजूर अदालतां तुहाडियां हुकूमत तुहाडी, मैं कानून हाथ च लिया, पुछया नहीं, गुस्ताख मार आया, क्या इसके बदले में मुझे कत्ल किया जाएगा? फरमाओ मेरे गुलाम तूने सोचा क्या है? ला यंतते हफिया अंजान, फरमाया जब मेरी इज्जत की बात आएगी क़यामत तक दो बकरियां भी कभी इख्तिलाफ नहीं करेंगी, और फरमाया इज़ा हबबतु मन तंजुरु इला रजुलिन नसरल्लाह व रसूलहु बिलगैब फंजुरु इला उमैर इब्ने अदी, फरमाया जो ऐसे बंदे की ज़ियारत करना चाहता है जिसने माँ वराए अदालत अल्लाह रसूल की मदद की हो, मेरे इस नाबीना गुलाम की ज़ियारत करो। सर क्या बात,